डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस अर्थ पर पाए जाने वाले हर ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो जनरली यूनिक होते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना खुद का फिंगरप्रिंट होता है। और फिंगरप्रिंट की तरह हमारी सेल में जो पाए जाने वाला डीएनए है वो भी यूनिक होता है, और उसकी जो यूनिकनेस है उसको समझने के लिए हम उनके फिंगरप्रिंट की स्टडी करते हैं, जिनको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंट कुछ देखने में इस तरीके से दिखते हैं जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाया गया, और इसको कैसे बनाया जाता है इसी वीडियो में हम इसको सीखेंगे। इसके साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है उसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी, उन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर एलेक्स जेफरी। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को उजागर किया। इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, इस टेक्निक के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम यहाँ पर ब्लड सैंपल लेंगे, और इस ब्लड सैंपल को एक मशीन के अंदर रखकर इसमें जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर से डीएनए को आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लड सैंपल को एक मशीन के अंदर रखा गया है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन, और इसको फिर हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से जो ब्लड सेल्स के अंदर डीएनए है उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के लिक्विड आपको दिख रहे होंगे, एक लाइट कलर लिक्विड और एक डार्क कलर लिक्विड। अब ड्रॉपर की हेल्प से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट कलर लिक्विड को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, और फिर उसको इस स्लाइड पर रख देंगे। इस स्टेप के बाद अब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर इस लिक्विड के अंदर देखते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स पर एक सेगमेंट दिखाया गया है जिसको हम VNTR मीन्स वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स कहते हैं, जिसको इन शॉर्ट VNTR कहा जाता है। और ध्यान रखना है ये एक रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस होता है जो हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है, क्योंकि इनहेरिटेड होता है और इस ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, और इसकी लेंथ हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। और जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा क्रोमोसोम है वो डीएनए की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है जैसा कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया गया है, बट ये एक लॉन्ग फ्रेगमेंट की फॉर्म है। मतलब आप देख सकते हैं एक लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपके सामने है, और इसको आप शॉर्ट फ्रेगमेंटेड डीएनए में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल एडिशनल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम आपको याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप देख सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए के जो लार्ज फ्रेगमेंट है उनको स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट या फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आप देख सकते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम एक जेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और उस जेल का नाम आपको याद रखना है, एगरोस पॉलीमरेज जेल। अब ये जो एगरोस पॉलीमरेज जेल है इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जिसके हेल्प से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, और इसके लिए आप देख सकते हैं पूरा जो सेटअप होता है इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप। अभी इस जेल के अंदर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, तो उनको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और इस केमिकल का नाम आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके ऐड करने पर ये जो डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स हैं सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसको स्टेन करने के लिए हम यहाँ पर एक रेडिएशन की हेल्प लेते हैं जिसका नाम आपको याद रखना है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसकी प्रेजेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा,
मूवमेंट करता हुआ आपको वहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है डेट इज साउदर्न ब्लोटिंग, जिसमें हम आप देख सकते हैं नाइलोन या फिर नाइट्रो सेल्यूलोस की शीट की हेल्प से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको एग्रोज जेल से आइसोलेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट है इनको हमने आइसोलेट कर लिया है। इसके बाद इसको हम दूसरे एग्रोज जेल में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हाईली रेडियो एक्टिव सिंथेटिक डीएनए आप देख सकते हैं, जिनको हम डीएनए प्रोब भी कहते हैं। फिर इसको थोड़ा सा स्टेयर करते हैं, जिससे जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स हैं वो नेचुरल डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है। और इस टाइम आपके सामने जो डीएनए आपको दिख रहा है डेट इज़ योर हाइब्रिड डीएनए, और इस हाइब्रिड डीएनए में एक फ्रेगमेंट रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब का है और एक फ्रेगमेंट नेचुरल डीएनए का है। और आप देख सकते हैं कि इसके बीच में नाइट्रोजीनियस जो बेस पेयर हैं वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर थायमिन एडेनाइन और साइटोसिन गुआनिन के साथ आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना तो वो दिख रहा होगा। इसके बाद अब इस नायलोन शीट को एक्सरे फिल्म पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये एक्सरे फिल्म पर इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे ये जो सेगमेंट हैं ये जो हाइब्रिड डीएनए है ये उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से विजुलाइज होता है। इसमें डार्क और लाइट बैंड्स आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल एक बार कोड की तरह एक अपेयरेंस जो है वो बार कोड जैसी अपेयरेंस आपको वहाँ दिखाई देती है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द होल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक।